उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में थाना रसूलपुर क्षेत्र के नैनी चौराहे पर कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण 11,000 लाइन शॉर्ट सर्किट, तार टूटकर कबाड़ पर जा गिरा, जिससे बताया गया है हजारों का माल जलकर हुआ खाक। वही मौके पर फायर ब्रिगेड थाना रसूलपुर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास, आग पर पाया काबू। देखिए फैजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। तार टूटा उससे आग लगी है। ये सर जो आज यहाँ पर आग लगी, इसका क्या कारण है? ये 11,000 का तार टूटा, चिंगारी आई, चिंगारी से वो आग पकड़ गई, तार नीचे गिरा, तार नीचे गिरा, 11,000 का तार नीचे गिरा। हाँ नीचे गिरा, वो अब भी पड़ा हुआ, वो देखो। अच्छा, कि कबाड़े पर आग लगी है ये? नहीं, 11,000 से लगी है ये। 11,000 का तार? हाँ। अरे यहाँ फायर देर बाद पहुँच चुकी थी। हैं? यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी ये कितनी जल्द आ गई? अरे बहुत देर में आग बुझ गई जब आई है। तकरीबन कितनी देर बाद आ पाई? सर जो यहाँ पर आग लगी है, क्या माना जाता है? यहाँ पर आग लगी, तार के अलावा में गिरा यहाँ पर 11,000 का। तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत लोग थे, पुलिस यहाँ पर खड़ी थी, तो पुलिस वाले यहाँ पर उनसे कहा कि वो वहाँ तार लाइट कटवाओ, लाइट बहुत देर में कटी। उसके बाद में ओले ओले फिर आग लगती रही, फिर जो है एक बार और गए, फिर भगा दौड़ी करी लड़कों ने, जो जिसने भी कटवाई हो बारह जब लाइट करी, उसके बाद में आधे घंटे बाद दमकल आई। जब वो आग फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। यहाँ पर जो आग लगी है ज़्यादा तेज आग थी यहाँ पर जी, आग ज़्यादा तेज थी यहाँ पर, बहुत तेज आग थी, बहुत तेज आग थी। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो आधे